भारत और श्रीलंका के बीच में कल से दूसरा टेस्ट मैच खेला जाएगा। बेंगलुरु में डे नाइट टेस्ट मैच है, लेकिन अगर रोहित शर्मा की कप्तानी में हमने कल का मैच भी जीत लिया, यानी कि कल से जो टेस्ट मैच शुरू हो रही है अगर उसे भी हमने जीत लिया, तो वो काम हम कर देंगे जो कि आज तक टीम इंडिया ने नहीं करके दिखाया है। जी हां, आपको बता दें कि 11वां कंसेक्यूटिव मैच तो हम जीतेंगे ही जीतेंगे, लेकिन उससे भी बड़ी बात यह है कि लगातार 2 कंसेक्यूटिव सीरीज हम क्लीन स्वीप करने वाले हैं, जो कि आज तक भारतीय क्रिकेट के इतिहास में नहीं हुआ है। इतना पुराना हमारा क्रिकेट का इतिहास है, लेकिन कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि अक्रॉस ऑल फॉर्मेट यानी कि टेस्ट, T20 एंड ODI जिसमें इन्वॉल्व हो, और 2 कंसेक्यूटिव सीरीज में हमने 2 देशों को क्लीन स्वीप से हराया हो, वो काम हम करके दिखा सकते हैं। आपको बता दें कि इसकी शुरुआत हुई थी वेस्ट इंडीज के खिलाफ, ODI में हमने उनको हराया था 3-0 से। उसके बाद वेस्ट इंडीज को T20 में हराया हमने 3-0 से। उसके बाद श्रीलंका, वो सीरीज खत्म हो गई, वहां पर हमने क्लीन स्वीप वेस्ट इंडीज को किया। उसके बाद श्रीलंका को ऑलरेडी हमने 3-0 से टेस्ट मैचेस T20 में हरा दिया। अब 1-0 से जो है वो हम ऑलरेडी अप हैं, जैसे ही मोहाली में हमने जीता, और यहां पर अगर हमने बेंगलुरु में 2-0 से बढ़त हासिल कर ली, अगर जीत दर्ज कर लिया, तो आप समझिए कि अक्रॉस ऑल फॉर्मेट एंड 2 कंसेक्यूटिव सीरीज जो है हम क्लीन स्वीप कर जाएंगे, और भारतीय क्रिकेट के इतिहास में यह पहली बार होगा। तो रोहित शर्मा के लिए एक बड़ा टेस्ट मैच आने वाला है, और उम्मीद करेंगे कि भारतीय टीम बेहतर परफॉर्मेंस करे और श्रीलंका को पैकअप कर दे, और 2 कंसेक्यूटिव सीरीज क्लीन स्वीप हम कर जाएं। जो आज तक नहीं हुआ वो हो सकता है कि बेंगलुरु में हमें देखने को मिले, और उसके बाद हम होली अच्छे से सेलिब्रेट कर सकते हैं। आपको कैसी लगी स्टोरी आप हमें कॉमेंट करके जरूर बताइएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा।